एक मिनट। हेलो, वेलकम बैक टू घ्यून टॉक। और मैं हूँ राजदीप, और वेलकम टू, हम अभी कर्नाटका राइड के लिए निकले हैं। यस, कर्नाटका राइड। और इसमें मेन चीज़ ऐसा है, कर्नाटका सिर्फ जाना है इतना पता है, रूट नहीं पता ना कुछ नहीं। मतलब मैंने कुछ बुकिंग्स भी नहीं की है ना कुछ भी नहीं किया है। अभी आज का प्लान है कि हम यहाँ से जाएंगे पुना। पुना में मेरे कज़न के यहाँ पे हम आज रात रुकेंगे, और कल सुबह उठ के हम जाएंगे धारवाड़। धारवाड़ में कज़न्स रहते हैं, तो आई विल स्टे वन डे ओवर देयर, और उसके बाद हमारा प्लान चालू होगा। धारवाड़ में जाके आई विल बी बुकिंग क्या मेरे को कौन से डेस्टिनेशन जाना है, वो धारवाड़ में जाके हम डिसाइड करने वाले हैं। अभी तक ऐसा कुछ ये ही नहीं है कि हम किधर जाएंगे क्या किधर रुकना है, कुछ भी नहीं। जस्ट एक सेकेंड, मेरे को सिर्फ वॉलेट है क्या मेरा, वो चेक करने दो। वॉलेट इज़ द मेन। अभी ये मेरा फर्स्ट टाइम ही है इतना लॉन्ग राइड के लिए, तो मेरे को पता नहीं कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। मेरे को लगता है कि मैंने ओवर वेट ले लिया है। अभी पूना में जाके क्या धारवाड़ में जाके मैं एक टाइम मैं देख लूँगा सामान और कौन सा, इफ़ नहीं चाहिए रहेगा तो मैं वहाँ पे निकाल दूँगा। अभी यही एक सोर्स है। हेलो, बोलना। पुनेला निकालो है। हाँ, काय आता तिथून मी याला जाणार आहे, जरा धारवाडला जाऊन येणार आहे पुढं कर्नाटकाला। हो, एकटा? हां हां, नाही 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 असं नाही, त्यानंतर बघू जरा तिथंच कुठं तर फिरायला जाईल मी। तू काय करतोय? हां, कॅश काउंटरवर आहे का? हो, हाँ सर। अभी तक किसको भी नहीं पता कि हम राइड के लिए निकले हैं। अभी ये वाला सीन ऐसा है, मैंने सिर्फ सामान पैक किया और निकल गया हूँ रोड ट्रिप के लिए। कुछ प्लान नहीं है ना कुछ नहीं, कौन सा रूट भी नहीं पता कि किधर जाना है करके। प्यू प्यू। अब देखते हैं। अभी जो कजिन का फोन आया था अनिश, वो भी शॉक हो गया था किधर जा रहे हो। उसको लगा कि मैं सिर्फ पुणे ही जा रहा हूँ, बट धारवाड़ भी जाने वाला हूँ। उसको ज़रा शॉक हो गया, और अकेले जा रहा हूँ वो तो और शॉकिंग हो गया है। तभी लेट्स सी। सबसे गंदा सीन एयर सीट का, जो गोल घुमाने रहता है जो हवा लूज हो रही है, वो ही निकल गया है। और ये नया ही है, मतलब कल ही आया था, मैंने आज डायरेक्टली फिक्स कर लिया। और शिट, आई होप इससे कुछ ये ना हो यार, नहीं तो पूरा ट्रैवलिंग अपना वाट लग जाएगा। मतलब मेरे जो दो फुल सूज जाएंगे, सूज। लेट्स सी।
तो अभी क्या हो गया कि हमारा एक घंटा वेस्ट हो गया है, तो मैं एक्चुअली एक क्रूज़ कंट्रोल भूल गया था घर पे, और पनवेल में मैं कभी इस रोड पे आगे तक पहुंचा और मेरे को याद आया कि हम भूल गए हैं। तो मैं वापस नेरुल गया, घर गया, ले लिया, अभी हम वापस रास्ते पे आ गए हैं। एक घंटा उसमें हमारा चला गया अभी, बट इट्स ओके, वर्थ था, वर्थ है, क्योंकि कल स्पीड लिमिट अपन को तोड़नी नहीं कहाँ पे, तो और हाथ भी ज़रा सा इसमें फ्री रह जाता है, तो इट इज़ वर्थ वापस घर पे जाके आना 10-15 किलोमीटर, इट इज़ वर्थ। अभी 70 पे हम लोग ऐसा फुल क्रूज कर रहे हैं, और ये कल मेन, तो कल मेरे को पूना टू धारवाड़ जाने के लिए ये मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, उसके लिए मैं वापस घर पे चला गया था यूटर्न मार के। मैं ऑलमोस्ट कहाँ तक आया था मैं दिखाता हूँ, जो अभी यहाँ से पनवेल के लिए नीचे उतरते हैं ना, मैं वहाँ तक ऑलमोस्ट आ गया था, फिर से मैंने यूटर्न मारा और ये लेने चला गया। बट ऑलमोस्ट वर्थ है जाना, नहीं तो कल मेरे एक हाथ, इस हाथ को मतलब आराम दे ही नहीं सकता था फिर मैं, सिर्फ अभी इसका जरा सा वो टैक्टिक सीखना है, स्लो होने के टाइम एक्सीलेटर आगे पुश करना है, वो देखना है मेन, तो देखते हैं, वो तो हो जाएगा अभी कल परसों, अभी 2-3 दिन में तो 1-2 घंटे में भी हो जाएगा वो, लेट्स सी। इट इज चिल्ड है यहाँ पे, चिल्ड। तो अभी बजे है ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं, 9, 1 मिनट, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ओके 8 बज चुके हैं अभी वहाँ पे, ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं, और 8, 9, 10, 10, 10:30 बजे तक पुना पहुंच जाएंगे। हाँ, इट इज ओके, वर्थ है। मैं ऑलमोस्ट अभी, इफ मैं वापस यू टर्न करके नहीं जाता तो मैं ऑलमोस्ट लोनावला तक पहुंच गया रहता। बट इट्स वर्थ। अभी तो मैं लेट हो चुका हूँ, नहीं तो मैं बाइकर ज्ञानी को मिल के जाता था यहाँ पे, ये नीचे यहाँ का स्टोर अभी यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, यहाँ पे पहला उनका स्टोर था, अभी वो इस साइड आ गया। चलो कोई नहीं, फ़ोन पे बात कर लूँगा उनसे। ट्रैफिक, बट बहुत फर्क पड़ता है यार हाथ पे। चलो आई विल, तुमसे हम वापस मिलते हैं भाई लोग, लाइट तो देखो। और कब से मैं पनवेल छोड़ा हूँ ना, मैं लोअर बीम पे ही चला रहा हूँ, मैंने अपर चालू ही नहीं किया है। कसे कैसा दिख रहा है लाइट भाई, बहुत खुश हूँ इस लाइट से मैं। अरे हम अभी चेंज करेंगे इनटू वाइट, मैं लोअर बीम पे ही चला रहा हूँ कब से, मैंने अपर मारा ही नहीं है।
हम आपको अभी इस मतलब यही एक चांस है कि इतने अंधेरे में मैं आपको लाइट इफेक्ट दिखा सकता हूँ। अभी ये है अपना, ये लोअर बीम ही है अभी तक, फुल लोअर बीम पे ही मैं चला रहा हूँ अभी तक। मेरे को एक जगह पे भी अपर मारने को नहीं लगा, सिर्फ पासिंग के लिए मेरे को मारना पड़ रहा है, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। ये हो गया, अभी हम चेंज करेंगे इनटू येलो। ये येलो का इफेक्ट है भाई, देखो कितना दूर तक थ्रो और कितना कवर अप कर रहा है। अगर मैं अपर मारूं तो ये है, नहीं तो भाई साहब मेरे को लगता है पर्ल वाइट सबसे बेस्ट है इसमें। पर्ल वाइट का तो थ्रो बहुत बहुत भारी है। अभी तक ये नॉर्मल एक्सपल्स का लाइट रहता था जो कंपनी फिटेड आता है, उसमें तो मेरे को अपर में भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था, बट ये देखो कैसे। वापस कैमरा बंद करते हैं और घाट पे हम चालू करेंगे। घाट घाट रोड पे हम चालू करेंगे अभी। चलो बाय बाय, मिलेंगे। यस, अभी घाट चालू हो गया है, हम लोनावाला पहुंच गए हैं। और सबसे कॉमेडी चीज़ दिखाता हूँ, सामने एक ब्लू कलर की एस क्रॉस है, इतने जन ठूसे हुए हैं ना उसके अंदर, डिक्की में भी लोग हैं। दिखाता हूँ आपको, मेरे को पहले कभी देखा, कभी मेरे को इतना ऐसा कुछ ये नहीं हुआ। बाद में कभी मैंने अच्छे से देखा, कभी मेरे को ये हुआ कि भाई डिक्की में भी आदमी बैठा है। आजोबानला पूर्ण डिक्की कोपच्यात टाकले आजोबानला, आणि कसला फास्ट चालू होते बघा ना। हे बघा वो सामने वाली एस क्रॉस, दिखाता हूँ मैं, दिखाता हूँ, सब दिखाऊंगा। हे बघा, डिक्कीत आजोबांना ठोचले, अक्षरशः आजोबांना असं बिचारे। आणि असला डेंजर चालवतोय ना हा, सिर्फ दादाजी को देखो कैसे उसने डिक्की में ठोस कर रखा है, और इतना रफ चला रहा है ना MH 12 से। यानी क्या आता है देखा, बेचारे तला झोपे थे, देखो नींद आ रही है उनको, कैसे तो पकड़ के बैठे डिक्की में। भाई सो ट्रैफिक, एक मिनट एक मिनट।
क्यों? बट मैंने बहुत ज्यादा ही शायद से ऑफ रोडिंग कर लिया वहां पे, मेरे को ऐसा लग रहा है। बट जिधर मैंने ऑफ रोडिंग किया, मैंने जितने भी टाइम में लोनावला आया हूँ, मैं उसी रास्ते से, मतलब वो ट्रैक मेरे को लेना ही पड़ता है। मैं अभी तक 3-4 टाइम आया हूँ इस बाइक पे, मेरे को वो ही रोड लेना पड़ता है। ए थंबे, बीएनडी फॉर्च्युनर घेऊन म्हणजे काय हे करतोय काय? जा भाई, जा की आता युजलेस। पांच नंबर आता नको युवा इथं। एंड वेलकम टू पुणे। वेलकम टू पुणे। आई थिंक बैटरी और 25% है, कभी रुक जाएंगे तो हम चेंज कर लेंगे। अभी पुणे जैसे चलाना चाहिए एकदम, पुणे में आके पुणे जैसे गाड़ी चलानी चाहिए, हॉर्न बिन कुछ नहीं देखने का। ओहो, एकदम डेंजरस। फाइनल डेस्टिनेशन जैसा ही है भाई, किसने देखा रहेगा फाइनल डेस्टिनेशन? उधर झाड़ के झाड़ रहते हैं, बट इधर ये भी खतरा ही है। मैं वो सच्ची में अभी एक ब्रेक लेना है, ट्रैफिक के अंदर जाने से पहले एक ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि एक ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 35-40 मिनट्स तो मेरे को हैवे टू उसके घर तक जाने तक लगेगा दादा के। सो आई एम थिंकिंग टू टेक सम ब्रेक, बट ब्रेक के लिए जगह मिलनी चाहिए। हेलो, वी हैव रीच पुणे, मेरे कज़न के घर पे। तो अभी सब खा पी के सो जाऊंगा अभी, और कल सुबह हम 6-7 बजे निकलेंगे धारवाड़ के लिए। अराउंड 400-450 किलोमीटर से यहाँ से, तो लगेंगे 7-8 घंटे। लेट्स सी, विश मी लक। और अभी तक यहाँ तक वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब टू घ्यूंटक ऑन यूट्यूब एंड फॉलो घ्यूंटक ऑन इंस्टाग्राम। यस,
अभी जस्ट अभी जूते ये सब निकालेंगे। पीस फॉलो करना।